मैं खड़ा हूँ इधर ही, चलो जाइए भाई। थैंक यू भाई, मैम यहाँ पे वेट वेट यहाँ पे देखिए। अरे पीछे लाइट कौन लगाए? दुर्गेश लाइट तुम्हारी यार। मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे सेंटर में देखिए ना, मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे दादा दादा भाई भाई यार मेरा माइक गिरा। पीछे हो जाओ ना, पीछे से गिरे ना यार। क्या दूर क्या रहा है? माइक गिरा है, मैं उठा रहा हूँ, तुम बोल रहे हो पीछे दूर मत। दूर कहाँ रहा है भाई? अरे माइक उठा रहा हूँ, तो घूरने की बात कर रहा है। शांति से खड़ा है। अरे माइक उठा रहा हूँ, तुम बोल रहे हो घूर रहा है। मैम यहाँ पे मैडम यहाँ पे मैडम थोड़ा आगे एक मिनट प्रियंका घूम। मैम यहाँ पे आइए बाइक पर। क्या बात है? 1.25 करोड़ भाई इधर आइए ना, इधर भाई। क्या बोल दे यार, तुम्हें जाएगा नहीं मिलेगा। भाई एक बहुत तगड़ा खुलासा कर दूं। कर दो। एक लेडी ऐसी खड़ी है जिसके हाथ में गोल्ड के नाखून है, गोल्ड के नाखून कितने के? 90 लाख के। ये देखो जी, ओ क्या बात है, 90 लाख के गोल्ड के नाखून। ये मेरी बहन है, दिल्ली का सबसे हाई प्रोफाइल सैलून इनका ही है। सुनो, पार्टी में पैसे कम पड़ जाएंगे ना, यहाँ से निकाल लूंगा। एक बात आ जाओ, आगे आगे आ जाओ ना, बाइक करते हैं। यहाँ पे और बूम लगा, बस यहाँ आइए। हाँ यहाँ पे थोड़ा आगे आ जाइए। अरे बूम पे देखो, हाँ क्योंकि 16 सालों में ऐसा नहीं हुआ, जब मैं निकला हूँ तो सबके आंसू, सबका प्यार मेरे प्रति आपने देख लिया होगा। 16 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि घर के अंदर हर एक बंदा इतना इमोशनल हुआ हो, इतना बेशुमार प्यार किया हो। पूरा भारत रोया था भाई। क्या बात, बीवी के लिए भाई जोरदार ताली। आज पहली बार मार नहीं रही, मेरा सपोर्ट कर रही है। ये भी जानना चाहेंगे जिसकी वजह से निकले थे आज वो ही रोते नजर भी आए थे और उनको बाहर निकाला गया था। क्या कहना चाहोगे उनके लिए? उनको भी पता था कि तहलका बहुत प्यारा है, कॉमेडी करता है, कभी थोड़ा बहुत फील हुआ भाई गलत हो रहा है। सो बात की जिसकी वजह से निकले उसको ही बुरा लग रहा है तो आप समझो ना, फिर तो गलत हुआ है, फिर तो निकलना ही नहीं चाहिए था सन्नी को, है ना? फिर तो पूरा जाना चाहिए था लंबा वाला। जैसे कि आप YouTube प्लेटफॉर्म से आए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आए, तो आपने एक टीवी का एक्सपीरियंस तो कर ही लिया है, तो अब आगे जो बिग बॉस है, रियलिटी शो है, उसमें आप सजेशन देना चाहेंगे कि जाना चाहिए? कर दूं जी, कर दीजिए। आने वाले बिग बॉस में दीपिका की तहलका एंट्री पहली चीज, दूसरी चीज हाई लेवल की मूवी सलमान सर के साथ तहलका भाई। ताली बजाओ सारे के सारे भाई। हां भाई बहुत बढ़िया, कैमरा रखेंगे तब ताली बजाओ। कर दिया मैंने अनुराग, देखो शो अभी ख़त्म होने वाला है और ऐसा नहीं कि इतने दिनों बाद अनुराग की दोबारा से री एंट्री हो जाए, लेकिन हाँ कुछ बातें आपको पता फेक उठ रही है मार्केट के अंदर, सबको ऐसा लग रहा है एंट्री होगी लेकिन एंट्री नहीं होगी। जाना चाहिए या नहीं आपके हिसाब से? अब मैटर रहा नहीं मैडम, शो ट्रॉफी के नज़दीक है, फ़ायदा बनता नहीं। थैंक यू, तहलका बता देंगे, बैगन में मिला देंगे, जबरदस्त तहलका। थैंक यू, तहलका भाई जिंदाबाद। चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भाई यार तुम्हें डरा देते हो यार, बंदा जो पैर कांप रहे यार ये। भाई 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 ऐसे भाई प्यार से बोल दे यार, क्या बात है भाई। यहाँ पे एकदम सामने भाई, यहाँ पे ओ मैडम जी, उपला सीखलो पे के सारा बोला कुतीला पर सेकता बोलो चलो चलो बड़ा कैसे सड्डे है, आज तुम्हारे तहलका भाई का बर्थडे है, जबरदस्त।
बोलो हैप्पी बर्थडे। पता नहीं कौन रूपला लेगा। रूपला न्यूजीलैंड में रहती है, पूरी बात ही बताऊंगा मैं, कल ही मेरी बात हुई थी। ले जा 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 ले भाई। बस 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 भाई सेंटर में देखिए, लाइट मत मारो, लाइट क्या कर रहा है दीपक, तेरी लाइट जल रही है, बंद कर। अरे यार पीछे देख रहा है भाई, ले भाई ले भाई, ए मिनट मिनट लाइट बंद कर रहा है भाई, बंद करना तो पहले तेरा रे उल्टा जाके खड़े हो ला भाई, इधर इधर ठंडी नहीं लग रही क्या? अरे इधर देखो, सब सब हॉट है इधर। अरे हॉट अब भी आया है सुबह, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो शिव भाई, यहाँ पे सब शिव अरे नहीं पहले शिव शिव जनता भाई शिव तालका भाई, आप दोनों पार्टी बहुत हार्ड होने वाली है, बहुत गाड़ी होने वाली है। और मैं ये भी बता दूं आपको, मेरा भाई 8 करोड़ की गाड़ी में है, एक नंबर गरुड़ों का है मेरा भाई। मेरे को दिल से इनका जितना मैंने टीवी पे इनको देखा है, टीवी के पहले भी हम कांटेक्ट में थे भाई को, तो इन दोनों की दोस्ती बनी है, दिल में दिल जीता है। अरे भाई कीमत पता है बता दूं भाई को, 12 करोड़ का घर लिया मेरे भाई ने, और बताओ भाई मेरे मोसाजी अरुण भाई को मेरे को प्यार देने वाले, झगड़ा सपोर्ट करने वाले, डे वन से भाई भाई यहाँ पे यहाँ पे आइए, बाइक करते हैं बाइक बाइक। एक प्यारी बात भाई के लिए बोल दूँ शायरी में, अरे दादा आप कहाँ खड़े हो जाओ भाई, तो खबर ले नहीं चला जाए भाई, इधर आइए ना, मेरा शिव भाई मेरी जान है, खड़ा के एक नंबर, शिवाय शिवाय इधर इधर, अरे आइए भाई उधर ले लो उसे ले लो, आइए इधर देखा भाई यहाँ पे, एक मिनट आराम से, यहाँ पे आराम से आ जाओ। खेल का भाई ने इतना कुछ कह दिया, अभी आप क्या कहना चाहोगे? देखो ये दिल का पर्सन है, और बिग बॉस में बहुत लोग आते हैं गेम खेलने आते हैं, अलग अलग चीज़ें करने आते हैं, ये पर्सन लोगों तक इसलिए पहुंचा क्योंकि ये दिल से खेला है, दिल से दोस्ती की है, और ये जिस वजह से बाहर आए हुए हैं वो मुझे लगता है वो हक है। वो हर कोई दोस्त अपने इंडिया के हर गली में अपने दोस्त के लिए करता है, और मुझे लगता है ये इंडिया का अपने मिट्टी का बंदा है, और इसलिए मेरे को इनका जोड़ी पसंद थी और इनका नेचर पसंद है। मैंने देखा उन्होंने मतलब समर्थ ने उनको इतना प्रमोट किया है कि उन्होंने हाथ उठा दिया, इस पे आपका क्या कहना? मैंने देखा नहीं, मैं देखूंगा तो जरूर बताऊंगा एग्जैक्ट चीजें, अगर मैं कुछ बोल दूं करो भाई जब यहाँ कुछ एड्रेस नहीं धक्का मार रहे, फिर क्या मतलब नहीं करना, सारे भाई यही होते हैं, मैडम एक सेकंड प्लीज, अगर ये आपके क्लब पे खड़े हैं ना तो समझ लो आपके यहाँ पे 4 चांद लगा रहे हैं।
इनकी वजह से आप सब चमक रहे हो। आने जाने को तो मैं अपनी प्यार से बोल दो, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। दस बार बोल दिया। अरे दस बार क्या भाई, हम खड़े थे, कैमरा तक खींच लिए। बस चलो थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ भाई। आ जाओ पीछे आ जाओ। अरे कैमरा ठीक है भाई, चलना है तो क्या रिकॉर्डिंग है। धमकी दी आपने, बता दिया कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। चाहे तो हटा दो, एक तुम लोग अपना काम करो, करो ही मत यार। तुम लोग आगे राधा भाई मत जाओ यार, राधा भाई पीछे आने दो ना, पीछे आगे मत जाओ ना। साढ़े 32 लाख के कपड़े पहने, प्यारी मैडम जबरदस्त हल्का भाई, किधर जनता भाई, इधर करो भाई। 75 लाख रुपए का न्यूजीलैंड तो लेकर आई है जिगरा मैडम, 75 लाख रुपए का। भाई आ गया भाई, इधर आ जाओ, यहाँ पे और आगे पीछे पीछे आ गया भाई। और आगे लो, सॉरी भाई, भाई बाइक करना, बाइक आगे आइए ना, आगे और आगे आइए, यहाँ पे चलो भाई आगे थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, पीछे हम आगे आ जाते हैं, हम आगे पीछे आगे आ जाओ। अरे हाँ, ये भाई है, सबसे अच्छा दिल है इनका। हालांकि बिग बॉस में हम लोग ने बहुत मजा किया है, हालांकि ये वो टाइम पे सोते रहते थे, बट वो अलग बात है। बट अरे मेरी माँ, सोना वाला मैटर खत्म कर, बहुत मुझे मौज कटवाई है, बहुत हो गया। लोगों को हंसाया मैंने, तूने वो देख ली होगी बहन, खुल के बता। दिल बहुत अच्छा है, मुझे लगता है ऐसा मैंने कभी देखा नहीं इनको। जो तरीके से वो बिग बॉस में खेले हैं, उन्होंने सबको साथ में लेके खेले, अच्छा खेले मुझे ऐसा लगता है। लेकिन शायद अच्छे जो दिल वाले होते हैं ना, वो तुरंत बाहर। लेकिन अच्छा, मेरा मैडम से बोल रहा अंदर, आपने देखा होगा, बहुत बातें करते थे। उन्होंने बहुत मेरे पराठे चुराए हैं, आलू के पराठे चोरी करे इनके मैंने, भाई साहब। एक दिन उन्होंने पकड़ भी लिया कि अरुण क्या लेके जा रहा है, और उन्होंने मेरे पास पकड़ा दिया, मैटर खत्म। ये पॉकेट में ले लेके घूमते थे मेरे पराठे, तगड़ा प्रैंक हो गया इनके साथ। बाप रे, आई थिंक वो तो बिग बॉस को पूछना चाहिए, वही डिसाइड करेगा कौन जीतेगा। हम क्या बताए, अभिषेक थैंक यू सो मच, थैंक यू, क्यूट हो कमाल, बोल रहा है बाबा बजाओ तेरे को। यहां पे यहां पे यहां पे आइए मैम, आइए मैम, हाँ बस यही खड़े होइए मैम। यहाँ पे देखिए आप, सिंगल मैम, यहाँ पे देखिए, अरे थैंक यू क्यों बोल रहे हो यार। मैम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट में बाइक करनी है प्रियंका, तो लगाओ बूम। मैम आगे आइए ना, थोड़ा बाइक करेंगे, बाइक, हाँ बाइक करना, आराम से। सब अपना माइक दे दो, ये दे दो, रेडी चलो। ये बहुत हुआ मेरे को, रिंकू मैडम ने देख, रिंकू मैडम कहां पर है यार, कहां पर है यार, आवाज भी आई है। फोटो वाले पकड़ लिए, बाइक वाले आए भाई, तो दिखाओ ना एक बार यार, आइए बाइक करते हैं पहले। रिंकू मैडम कहां गए यार, अरे आपके पीछे, अरे ओ रिंकू मैडम कैसे हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। बर्थडे में चार चांद लग गए, पांच चांद मैडम आ गई भाई, राजा भाई राजा भाई।
सलमान सर ने कल ये जरूर कहा कि अगर मैं होती, चाहे मुझे कितना भी बायस कहा गया अभिषेक के लिए शो में, तो मैं रहती उसके सही गलत में, उसके लिए खड़ी रहती, उसका गलत उसे बताती, पर दूसरों को भी बताती कि भाई अगर वो इस पॉइंट पे आया है तो इतनी पोकिंग की वजह से आया जो उन्होंने कहा। ये सवाल मुनव्वर से भी पूछा सलमान सर ने कि भाई तुमने सपोर्ट क्यों नहीं करा, रिंकू मैडम होती तो मैडम करती बड़े लेवल पे। मुनव्वर से भी पूछा गया भाई तुमने सपोर्ट क्यों नहीं करा जबकि करना चाहिए था, और अभिषेक ने सही करा, उसके साथ कोई और होता तो 10-12 रेपटे पड़ जाते भाई सब तक। रिंकू मैम जैसे आप बिग बॉस में गए तो एक रिश्ता कमाना होता है, जैसे हम देख रहे हैं एक रिश्ता आपने कमाया है। मैं वही कमा के आई हूँ बिग बॉस में, मैं कोई मुझसे लड़ता ही नहीं था वहाँ पे, मैं बोलती थी मुझसे लड़ो, तुम सबकी स्ट्रैटेजी है मुझे घर से बाहर निकालने की, मुझसे कोई नहीं लड़ता था। हाल ही में अभी जैसे बिग बॉस में हमने देखा अभिषेक के साथ जो मेंटल टॉर्चर ईशा, जबकि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है, वो जानती थी कि उनका ये ट्रिगर पॉइंट है, फिर भी समर्थ और दोनों ने मिलके और घर वालों ने भी उस चीज पे एक्शन नहीं लिया, क्या कहना चाहेंगे क्योंकि सलमान सर ने भी इस चीज पे आई थिंक बहुत डिस्गस्टिंग चीज है। एनी विच वेज किसी की मेंटल हेल्थ या किसी भी पर्टिकुलर मेडिकल इशू पर उसको एक चर्चा बनाकर अपना मुद्दा खड़ा करके एक लड़ाई लड़ना, आई थिंक इट इज़ वेरी बिलो द बेल्ट, वेरी बिलो द बेल्ट। और ईशा का ये करना मैं क्या ही बोलूँ कि मतलब अगर आप अभिषेक का तमाशा बना रही है तो सबसे पहले आप अपना तमाशा बना रही है, क्योंकि उस रिश्ते का हिस्सा आप खुद थी, तो आप जिस चीज़ को जानती हैं आप उसे उछाल के कौन सी पब्लिसिटी गेन करना चाहती हैं। सो आई डोंट थिंक इट वॉज नाइस ऑफ हर टू डू दैट। एंड अभी समर्थ की बात करें तो उसने तो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल करके ही उस शो अब तक उस शो में रहा है, जो एग्जैक्टली कल सलमान सर ने कहा ये तो मैं बहुत पहले से बोल रही थी कि भाई अगर ईशा नहीं है तो तू है क्या, अगर अभिषेक नहीं है तो तू है क्या। समर्थ जो कॉमेडी कर रहा था उसने खुद अपने लेवल को नीचे गिरा दिया बिल्कुल, ये सारे काम करके जहाँ तक उसको कमेंट मिल रहे थे भाई मनोरंजन कर रहा है, इंजॉय करवा रहा है, फनी बातें बोल रहा है, ये मैटर के बाद वो मैटर यहाँ से यहाँ तक आ गया, बहुत गंदा। और इस बार बिग बॉस में हमने देखा जिस तरीके से इविक्शन हो रहा है, जहाँ जैसे तहलका भाई का इविक्शन हुआ, आपका हुआ, अनुराग का हुआ, काफी गलत तरीके से हुआ, क्योंकि बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट पब्लिक पे डिपेंड होते हैं कि वोटिंग के थ्रू इविक्ट होने में बुरा नहीं लगता है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे। देखिए मैं मुझे लगता है मैं वोटिंग के थ्रू हुई हूँ, पर वो जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी वो गलत हुई, क्योंकि एज यूजुअल ईशा ने चीटिंग की है, चाहे वो ऐश्वर्या के दौरान रही हो, चाहे वो मेरे दौरान रही हो, तो वो काफ़ी गलत तरीके से ईशा ने अपनी कैप्टनसी का इस्तेमाल किया। अगेन इट स्पीक्स ऑफ हर कैरेक्टर, सो व्हाट कैन आई से। मैडम जो कह रही है सही कह रही है, ये कहना चाहूँगा मतलब अगर वो फेयर तरीके से भी होता कि फेयर तरीके से भी मेरा नाम है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सिर्फ मेरा नाम आके फिर वो कार्य रद्द हो गया, क्योंकि ईशा अगर वो 4 बार भी फोन उठता तो भी बोलती समर्थ ने उठाया। सो हाउ मैडम मोटा मोटा ये कहना चाह रही है कि जो एक क्लिप दिखाई गई जिस लेवल पे दिखाई गई वहाँ मैडम ओके थी, और पता नहीं उसने कैसा डिसीजन लिया, किस तरीके से लिया, समझ से बाहर था। जी, जी तो आप किसे विनर देखती हैं? अभिषेक, अभिषेक / मुनव्वर। अंकिता जी को सपोर्ट नहीं करती? बात सपोर्ट की नहीं है, बात रिश्तों की है, तो मेरे रिश्ते इनसे बने। अंकिता से भी मैं बोल रही हूँ मेरा घर में किसी सिवाय आई थिंक समर्थ के साथ और एक पॉइंट पे खानजादी के साथ, बट मुझे नहीं लगता मेरी किसी के साथ ऐसी कोई अनबन हुई है। बट एज अ विनर आई डेफिनेटली सी अभिषेक। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। रूपला की
वो जो निकट गिफ्ट है नीला वाला भाई यहां पे भाई अच्छा भाई 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 यहां पे पीछे यहां 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 भाई 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 आगे एक बड़ा ना चेहरा फोटो करते फोटो करते बीच में खड़े ए थोड़ा पीछे ट्रेन का इधर भाई बहुत अंदर ले रहा है ये वो आ रहे हैं यहां पे देखिए सामने राइट में सेंटर में भाई देखो ठंडा हो रहा है प्लीज सामने भाई 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 जनता भाई हमारा जनता भाई जनता भाई भाई आ जाओ जनता भाई प्ले क्लास भाई जनता भाई कर ले आइए आराम से आगे बच्चों बात आइए चलो रोली भाई स्टार्ट क्या कहना चाहेंगे इनका जन्मदिन है और इतना तहलका तरीके से अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं कायदे से मैं तो जन्मदिन पे ही बाहर आया था एक तारीख को मैं घर पे पहुंचा था मेरा बर्थडे 1 जनवरी को था लेकिन जब मेरे को ये देखना था कि भाई दिल्ली में तो पार्टी वार्टी हो गई लेकिन मुंबई में जो मेरा परिवार बना है बिकॉज में जो मेरा परिवार बना है वो तो मुंबई के रहने वाले है ना तो यहाँ पार्टी तो बनती नहीं। मेरा भाई आया है दिल्ली से वैसे तो गाना बना था मुंबई से आया मेरा दोस्त तो दिल्ली से आया मेरा दोस्त तो पार्टी तो बनती है। सबसे अच्छा लगा है भाई मतलब इतने टाइम के बाद मिले तहलका भाई और आने के बाद इनका हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया पहले तो ऐसे ऐसे बार बार करते रहते थे बाल भी काट लिए तुमने न्यू लुक न्यू लुक अलग न्यू लुक है तहलका भाई का और इनका तहलका भी काफी बड़ा हो गया है देखो ये छोटा सा पहन के आए थे अंदर अभी ये मोटा भी हो गया है इनका पूरा पेंडेंट बहुत बड़ा और तो मेरा नामकरण किया था ना तहलका भाई टिक 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 वो इन्होंने किया था तहलका भाई टिक 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 तो हम लोग बहुत मस्ती करते थे मैं और तहलका भाई सबसे ज्यादा इनका वाला डांस भी ऐसे ऐसे कूद के यहाँ पे नहीं करूंगी मैं कूद नहीं सकती मैं कैसे करता था बहन करके दिखाइए बहन मैं नहीं कर पाई ओ सॉरी सॉरी नेक्स्ट टाइम ऐश्वर्या जी अभी जो बिग बॉस में अभिषेक के साथ जो हुआ है मेंटल इशू जिस तरीके से ईशा ने समर्थ ने मिलके उनको प्रोवोक किया है उसमें क्या आप कहना चाहेंगे क्योंकि सलमान सर ने भी कहा है अभिषेक गलत है बट फिर भी इस तरीके से उनको ये नहीं परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए था और हमने हमेशा से बोला है कि मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए सबसे पहले और अभिषेक को बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर दिया था उन्होंने एक लिमिट क्रॉस कर दी थी स्पेशली समर्थ ने बोल बोल के उनके मुंह में टिश्यू पेपर डाला ब्लैंकेट डाला उस जगह पर बहन होती या मैं होता तो रैप टर्म दोनों ही मार देते मैं तो थप्पड़ बढ़िया वाला एक नहीं उसको पढ़नी चाहिए और उनके रिएक्शंस भी काफी अच्छे थे बहुत अच्छे थे और पढ़ने चाहिए ये वाले थे बिल्कुल सही बोला सलमान सर ने और वो जो सर ने बोली ना सीटी पड़ी तो एक्चुअली हमने तालियां बजाई जब समर्थ को थप्पड़ पड़ा और बहुत अच्छा लगा ये डिसीजन और उसकी जब री एंट्री हुई है तो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक इस सीजन में सबसे ज्यादा फेयर चीज अभी तक की यही हुई होगी कि अभिषेक को वापस बुला लिया और बहुत अच्छा लगा। ऑल्सो ऐश्वर्या ये जो समर्थ का ये गोल था कि उसे फिनाले तक नहीं जाने आई नो क्या कहना चाहूंगी क्योंकि समर्थ खुद डिजर्व नहीं करता फिनाले तक जाने के लिए वो सिर्फ ईशा के आसपास घूमता है उसका गेम सिर्फ अभिषेक तक है और वो भी ईशा जब बात करती है तब घुस जाता है आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा तो हमेशा घुस जाता है बीच में जनता को भी दिख रहा है कि हम जो कब से बोल रहे हैं कि इनकी गेम बस अभिषेक के आजू बाजू में ही है और जनता को दिख रहा है ईशा पलट गई बाद में भाई इतनी हंसी आई ना भाई एक खुलासा और कर रहा हूँ मैं 23 लाख की घड़ी जो मैंने पहनी मेरी बहन ने मेरे को तोहफे में दी थी देख लो आप ऐश्वर्या बहन ने मैंने नहीं दी आप रहने दो भाई हमको इससे मालूम पड़ता है कि आप इधर भी अंदर जाके प्रैंक 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 करने वाले आगे जाके बिल्कुल करने वाले हैं जी अभी तो मेरी सेवा शुरू है जो मैं 4-5 सालों से मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ वो जो मेरा आंकड़ा बहुत ऊपर तक जाने वाला है आप देखते रहना चलो गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू बाय बाय आइए साथ में नील भाई के साथ ऐश्वर्या बहन का फोटो कराने के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 3.5 लाख रुपए चलो जी कैमरा बहुत आगे आप थोड़ा सा आगे आइए मैडम प्लीज पार्थ भाई
पहले तो आपको ये बोलना चाहेंगे आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, वो तो आप लग रही है, जो खूबसूरत होता है उन्हें कॉम्प्लीमेंट देने की जरूरत ही नहीं होती है। हाँ, पहल का अभी मैं बर्थडे में आई हूँ क्योंकि अभी मुझे पता नहीं अंदर कौन कौन है, बट मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले हैं साथ में। जी बिल्कुल, और बिग बॉस में जो अभी गेम चल रहा है अभिषेक के साथ जो हुआ है, समर्थ ने जो किया है, क्या कहना चाहिए? अभिषेक ने जो किया है वो अच्छा किया है और सलमान सर ने जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, तो मुझे ऐसा लगता है समर्थ का जो उसको मिलना था ना वो मिल गया अच्छा खासा। ईशा जैसे अपना गेम खेल रही थी, समर्थ और अभिषेक उनका जो गेम उनके आसपास चल रहा था, तो अभी ईशा की गेम क्या लग रही है? ईशा की कोई गेम तो अभिषेक बन जाता है ना, उसको झगड़ा अभिषेक से करना है, अपना तो गेम उनको कुछ है नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने गेम में जाना चाहिए। अभिषेक को वो जितना भी टॉर्चर, ठीक है आप लोग बातचीत करो, बट ऐसे टॉर्चर वो क्या नाम है, समर्थ तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, माय गॉड, कोई भी होगा ऐसे कर देगा, थप्पड़ लगा देगा कोई भी। तो आपको लगता है अभिषेक ने जो किया वो बहुत अच्छा किया? समर्थ ने भी प्लान करके उनको प्लान ही कर रहा था ना, वो उसको पता है फिनाला ही पास में है, तो मुझे इसलिए काटा हटा देती हूँ फिर बेटर रहेगा, तो वो गलत है ना, ऐसे क्यों सोचना है किसी के लिए, अब हो गया ना उनका, मिल गई ना उनको खुराक। तो बिग बॉस में आपको विनर कौन दिख रहा है? अभी मुझे अंकिता भी होना चाहिए और अभिषेक, ये दो तो है। मुनावर कुछ कर नहीं रहा है, डेफिनेटली वो कुछ करे, 4-5 हफ्ते और रह गए तो मुझे लगता है कि मुनावर भी हो सकता है। थैंक यू। आपको सुन के हैरानी होगी, मेरा भाई मेरे लिए 6 करोड़ का तोहफा लेकर आया, 6 करोड़ का, गाड़ी का रकम दिखा दूँ अभी मैं, और भाई के लिए लाइन बोल दूँ मैं, बोल दो रुपला शीरी को लोगों को तेरे के लिए 3 लाख कतरों का कतर लड़की गोरी मेरा प्यारा भाई ओरी जबरदस्त पहल का न्यूजीलैंड से मेरा भाई कवर लेकर आया 90 लाख रुपए का, 90 लाख का कवर ओनी भाई का, जो नहीं वो नहीं बताना जाने भाई का मैं वो सुनो भाई का क्या फॉलो कर रहा हूँ मैं राइट में।